हेलो यूट्यूब, आज मैं तुम्हें कबूतर का अंडा दिखाने वाला हूँ। दो अंडे दी हुई है और पिछले 2 दिनों से वो उस पर बैठ कर उसे सह रही है। अभी क्या है कि वो दाना चुगने के लिए और मैं भी पानी पीने के लिए बाहर गई हुई है, तो यही अच्छा मौका है उसके अंडे को देखने का। दिखलाता हूँ तुम्हें। तो देखा, दो अंडे हैं। ये जो कबूतर है कोई पालतू कबूतर नहीं है, ये जंगली कबूतर है। पता नहीं कहाँ से उड़ के आई हुई है और हमारे घर के आसपास रहती है, और ये अकेले नहीं है, कई सारी हैं। तो जब भी इन्हें अंडा देना होता है तो यहीं पे अंडा देती है। वो दो अंडे देती है, कोई कोई कबूतर 3 अंडे भी दे देती है, लेकिन ये वाली 2 अंडे दी है। चूजे आने में मेनली 20 से 25 दिन लग जाते हैं, तो मेन पॉइंट ये है कि 20 से 25 दिनों तक ये अंडा बच भी पाता है कि नहीं, क्योंकि कौवे हैं वो भी अंडा पी जाते हैं तोड़ के, बिल्लियाँ भी बहुत सारी आती हैं। तो ये 2 खतरे मिलनी है जो इसके अंडे को मटरा रही है। तो 20-25 दिनों तक अगर ये अंडा बच जाए तो चूजे आ जाएंगे, अगर नहीं बचे तो मामला ख़त्म है। और ये जो कबूतर है मेनली मानसून के समय ये ज़्यादा अंडे देती हैं। अभी देखो बरसात का समय शुरू हो चुका है तो अंडा दी हुई है, तो वेट करते हैं 20 से 25 दिनों का, देखते हैं क्या आता है। चूजे आते हैं कि कौवा उसे खा जाता है या बिल्ली खा जाती है। चलो देखते हैं उसे। फाइन।